जरूर बात करना। और ब्लूटूथ हेडफोन अगर आपके भी फ़ोन में कनेक्टेड है तो उसको आप किस तरीके से डिसकनेक्ट या फिर अनपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, रियलमी के किसी भी डिवाइस में आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन करके आपको दबा के रखना है, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको कनेक्टेड होगा तो आपको ये आई का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपके डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अनपेयर पे क्लिक करके अनपेयर कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आ गया होगा। और इसने बोल दिया डिस्कनेक्ट हो चुका है, दोबारा पेयर करेंगे तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से पेयर कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं दोबारा ये कनेक्ट हो गया है, अब इस पर क्लिक करके फिर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिस्कनेक्ट और अनपेयर करना आपको बता दिया है।